दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसा शहर में बने गुजरात के सबसे लंबे एलिवेटेड ओवरब्रिज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। डीसा शहर को मिला 3.7 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 पर गुजरात का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो पोरबंदर और असम को जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। इस एलिवेटेड पुल में सर्विस रोड के दो लेन के अलावा प्रत्येक ऊपरी और निचले हिस्से में चार लेन है। 3.7 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 225 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और इसके निर्माण में 10,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा EPC मोड में किया गया है जिसके लिए वर्ष 2018 में निविदाएं आमंत्रित की गई थी। राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड ब्रिज गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा शहर में बनाया गया है। डीसा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयासों से 225 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस पुल की कई खासियतें हैं जिनमें से एक इसकी लंबाई भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CM विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल द्वारा कुल 3.7 किलोमीटर लंबे इस पुल का ई अनावरण किया गया। इस पुल का अनावरण गुजरात के यश कलगी के अतिरिक्त होगा। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 पर बनाया गया है जिससे डीसा शहर में यातायात की समस्या कम होगी। गौरतलब है कि एरियल व्यू में सांप के जैसा दिखने वाला यह पुल बनासकांठा के डीसा शहर के बीच से गुजरते हुए नेशनल हाईवे नंबर 27 पर बना गुजरात का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो गुजरात के पोरबंदर और असम के सिलचर को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। 3.7 किलोमीटर लंबा यह पुल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पुल के बनने से पहले डीसा शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ गई थी। जाम के कारण वाहन चालक कई घंटों तक जाम में फंसे रहते थे। डीसा शहर गुजरात का सबसे बड़ा आलू मंडी है। इसके अलावा यहाँ कई फार्मों के लिए बाजार है जिससे भारी संख्या में मालवाहक वाहन यहाँ आते जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।